नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं गेमिंग हेडफोन्स जो बहुत ज्यादा सही फीचर्स के साथ हैं, ऐसे में जो है काफी ज्यादा महंगी भी ना हो, तो यस गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेड गियर की तरफ से आने वाले रेड गियर क्लॉक हेडफोन्स के बारे में। इस वीडियो में जो है इन हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, साथ साथ को एक रिव्यू करने वाला हूँ, आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या आपको इन हेडफोन्स को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, एंड बहुत सारी चीजें। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। ओके गाइज, हियर इज बॉक्स ऑफ अवर हेडफोन्स। आप देख सकते हो फ्रंट में जो आपको एक्चुअल इमेज देखने मिलती है हेडफोन्स की, एंड ऊपर की तरफ रेड गियर लिखा हुआ है, एंड नीचे की तरफ यहाँ पे इनका मॉडल नेम लिखा हुआ है जिसका नाम है क्लॉक। एंड और बाकी बॉक्स में काफी कुछ नहीं है, तो मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो है हमारे हेडफोन्स देखने मिलते हैं जो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आए हैं। हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ रेड गियर क्लॉक हेडफोन्स। बॉक्स में आपको और बहुत ज्यादा कुछ चीज नहीं देखने मिलती, ऑब्वियसली हेडफोन्स के बॉक्स में आपको क्या ही चीजें देखने मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को इन हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग काफी ज्यादा सही, क्योंकि अब हम बात करते हैं इन हेडफोन्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो गाइस नो डाउट यहां पे आपको कोई भी आउटडेटेड लुक नहीं देखने मिलता। आपको इसमें आरजीबी देखने मिलती है दोनों साइड में, एंड आपको माइक्रोफोन में भी एक एलईडी देखने मिलती है जो बहुत सही जो है लुक प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला अगर आपका हेड का साइज कुछ भी है, बड़े से लेकर छोटा तक, तो आपको ऐसे कोई भी इशू नहीं आएगा। ये हेडफोन्स जो है सच में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि यहां पे आपको बहुत अच्छी कुशनिंग देखने मिलती है दोनों ही हेडफोन्स के जो है कप्स में। कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो आप जो उसको अपने पीसी से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते, उसके साथ यहाँ पे आपको एक पोर्ट जो है इसका हेडफोन्स का देखने मिलता है, दूसरा जो आपको माइक्रोफोन का देखने मिलता है, एंड थर्ड जो आपको यूएसबी के लिए देखने मिलता है, जिसमें जो आपको आरजीबी सपोर्ट देखने मिलेगा। अगर आप उनको इनपुट नहीं करोगे तो आप जो आरजीबी का मजा नहीं उठा पाओगे। अगर आप लोग एकदम बेसिक तरीके से यूज करना, आरजीबी नहीं चाहिए आपको, अगर आप नॉर्मली यूज करो तो आपको जो है यूएसबी वाला प्लग नहीं इनपुट करना अपने पीसी में, एंड आपको कोई भी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा सही लगी कि आप जो इन हेडफोन्स को अपने स्मार्टफोन के साथ भी यूज कर सकते हो। लास्ट चीज के बारे बात करता हूँ जो है इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखने लायक है। बेस जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ऑनेस्टली गाइस, इससे पहले जो मैं हेडफोन्स यूज करता हूं उनका बेस इससे बहुत ज्यादा सही है, लेकिन इनमें जो है बहुत ज्यादा अच्छा बेस नहीं है। अगर मैं इनको गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ओके है, लेकिन अगर मैं इसको म्यूजिक ले सुनूं तो गाइस म्यूजिक ले जो है बिल्कुल भी आप इसको मत लेना, क्योंकि अगर आप म्यूजिक लवर हैं, म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनते हो, तो भाई आप जो है इसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना। बाकी आप गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग और नॉर्मल स्ट्रीमिंग के लिए आप इसको ऑब्वियसली ले सकते हो, बहुत अच्छे जो है हेडफोन्स हैं। ट्रबल्स एंड जो सारी पीक्स हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर लेता है, बेस में थोड़ी बहुत कमी है, बाकी काफी ज्यादा ओके है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सही है, एंड गेमिंग में मुझे काफी ओके लगी माइक्रोफोन की क्वालिटी। इन द एंड कंक्लूजन के बारे में बात करता हूं कि आपको इन हेडफोन्स को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो गाइस वायर्ड हेडफोन के हिसाब से, गेमिंग के हिसाब से, एंड और भी बहुत सारी चीजें जिस प्राइस इनमें आपको दे रहा है रेड गियर जैसी कंपनी, तो आप जो है इनकी तरफ जा सकते हो। ये जो है अमेजोन पे रिसेंटली 599 रुपीस के, एंड आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है सेल में, तो यहाँ पे आपको अराउंड 500 रुपीस के पड़ जाएंगे। इस सेगमेंट में जो है कोई भी हेडफोन्स इनकी टक्कर में नहीं है। हाँ, अगर आपको साउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है तो आप जो है इनकी तरफ मत जाना, इससे एक अपग्रेडेड वर्जन ले लेना, या फिर आप और भी चीजें चेकआउट कर सकते हो। बाइंग लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जो है वहीं से परचेज कर सकते हैं। होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियो से आप चैनल पर आते रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो तक के लिए, बाय। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।